हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज। आई थिंक वेट एक्सरसाइज नंबर 9.11.2 है, नहीं रिवीजन एक्सरसाइज है। सो रिवीजन एक्सरसाइज, ओके। सो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी सभी को। और ये एन वाला क्वेश्चन हो चुका था, क्या सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 8% पर एनम अमाउंट 2 रुपीज दिस इन 2 ईयर्स, व्हाट विल इट अमाउंट। हाँ हो गया था, ओके। सो स्टार्ट करते हैं रिवीजन एक्सरसाइज, ओके। और आज रजिस्टर का भी कोई इश्यू नहीं है। सो चैप्टर 11, ओके। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹500 फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम, ओके। सो आई थिंक क्वेश्चंस अब दिखाई दे रहे होंगे सभी को। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा बेटा, क्या करें, स्पेस की थोड़ी कमी है। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹500। सो प्रिंसिपल इज 500 रुपीज एंड टाइम इज 3 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, ओके। सो SI आपको कैलकुलेट करना है, SI में क्वेश्चन मार्क। सो फॉर्मूला ऑफ SI इज गोज टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ओके। सो वैल्यू ऑफ P इज 500, वैल्यू ऑफ R इज गोज टू 5 एंड वैल्यू ऑफ T इज गोज टू 3 अपॉन 100। 2020 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म्स नहीं है, सो न्यूमरेटर का इजिली मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 5 25 25 3 75 5। सो SI हमारा निकल के आ जाएगा ₹75, ओके। क्वेश्चन नंबर B देख लेते हैं। फाइंड दिस सम ऑफ मनी मींस प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी मींस PRINCIPLE प्रिंसिपल। फाइंड द प्रिंसिपल फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा लें सबसे पहले, ओके। विच अमाउंट्स टू ₹992, अमाउंट हमको गिवन है AMOUNT, अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹992 इन 4 ईयर्स, टाइम इज इक्वल्स टू 4 ईयर्स एट रेट ऑफ परसेंट 16 whole 1/3%। मीन्स अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे होल से, सो 16 3 48 on 1 49 upon 3%, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 49 upon 3%, ओके। सो सम ऑफ मनी प्रिंसिपल, और आपको उस तो देना चाहिए, अमाउंट है, प्रिंसिपल गिवन होना चाहिए। सपोज दैट नहीं गिवन, कोई दिक्कत नहीं है, लेट दी प्रिंसिपल बी एक्स, ओके। सर वाई आर यू लेट प्रिंसिपल। सो बेटा प्रिंसिपल इसलिए लेट किया है क्योंकि SI हमको फाइंड करना है, SI इज गोज टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। क्योंकि SI का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो SI तुमको पता होना चाहिए ना। सो पी गिवन नहीं था तो पी मैंने लेट कर लिया, तो SI निकल के आ जाएगा 992 माइनस एक्स,
ओके ओके सो फॉर्मूला ऑफ एस आई इज इक्वल्स टू पी ई इंटू आर इंटू टी बाई 100. ओके सो वैल्यू ऑफ पी इज नॉट गिवेन. सो एस आई इज एस वैल्यू ऑफ एस आई इज 992 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ पी इज एक्स वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 49/3 एंड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू 4. ओके एंड अपॉन 100. ओके सो कुछ कट नहीं रहा है बेटा. सो 992 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज 4 9 36 3 4 4 16 3 19 एक्स अपॉन 300. ओके सो 300 का मल्टीप्लाई करा देंगे 9 या एक्स को उधर देखिए ट्रांसफर कर दें. सो बेटा ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या बात है. 992 देखिए उधर 300 को भेजने से अच्छा है एक्स को इधर ले आए. 196 अपॉन 300 प्लस एक्स 196x अपॉन 300 प्लस एक्स. इस एक्स को मैंने क्या किया राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया. ओके सो 992 इज इक्वल्स टू 300 एलसीएम. सो 196x प्लस 300x. सो 992 इंटू 300 इज इक्वल्स टू दिस इज 496x. सो देखिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 496 को, क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड मिलाएंगे 496 इज इक्वल्स टू एक्स. एक्स के साथ 496 मल्टीप्लाई हो रहा था, अदर साइड डिवाइड में हो जाएगा. और ये न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में तो कट हो जाएंगे. 496 टू जा 992. सो एक्स इज इक्वल्स टू 600 आपका आंसर हो जाएगा. एंड प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू हो जाएगा रुपीज 600. ओके प्रिंसिपल हो जाएगा 600. ओके सो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं. बाय, टेक केयर.